दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 13 नवंबर 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2023 की नीलामी से पहले होने वाले रिटेंशन और रिलीज प्लेयर की लिस्ट को लेकर आप सभी आईपीएल फैंस के लिए आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजियों की तरफ से बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही। वहीं दूसरी तरफ इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड 2022 के रिगार्डिंग कल हमें बीसीसीआई की तरफ से दो बड़े अपडेट्स आप सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए देखने को मिले हैं। उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाई वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2023 को लेकर, जहां पर बीसीसीआई और आईपीएल 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली 10 की 10 टीमें फिलहाल पूरी तरह से जोरों शोरों से आईपीएल 2023 की नीलामी की तैयारियों में जुट गई है, जहां पर 23 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से कोची में हमें आईपीएल 2023 की नीलामी देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग आज की तारीख में 3-4 बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अभी अपडेट्स की। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है ट्रेड को लेकर, जिया कल हमें आईपीएल 2023 का फर्स्ट ट्रेड देखने को मिला, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रोमांचक और शानदार ये ट्रेड रहा। जी हां, ये ट्रेड हमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच देखने को मिला, जहां पर पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम का हिस्सा जो खिलाड़ी थे जेसन बेंड्रोप की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, वो फाइनली एक बार फिर से मुंबई इंडियंस की टीम के साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि यहां पर प्लेयर्स का ट्रांसफर नहीं हुआ है, कैश डील जहां पर 75 लाख रुपीज में ये बड़ी डील हमें मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के बीच देखने को मिली है। और एक बार फिर से यहां पर जेसन बेंड्रोप हमें आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस की तरफ से हल्ला बोलते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है सभी टीमों की रिलीज प्लेयर लिस्ट को लेकर, जहां पर भाई हमें लगातार बड़े बड़े अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि डेडलाइन यहां पर आ चुकी है, जहां पर 15 नवंबर से पहले सभी टीमों को अपनी रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी है। और ऐसे में कल हमें यहां पर काफी सारे फ्रेंचाइजियों की तरफ से उनके रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट को लेकर बड़े बड़े अपडेट्स देखने को मिले, जहां पर भाई मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपने रिटेंशंस की पूरी लिस्ट बीसीसीआई को सौंप दी है। कल हमें अपडेट मुंबई इंडियंस की तरफ से ऐसे देखने को मिली, उन्होंने अपने यहां पर आपको पता है जिस वक्त पर रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं होते हैं तो गिरोन पोलार्ड को कप्तान बनाते हैं, पोलार्ड को इन्होंने यहां पर अपनी टीम से रिलीज कर दिया। उसके अलावा इन्होंने फैबियन एलन को अपने स्क्वाड से निकाला है, मैक मार्कंडे को निकाला है, हर्तिक सोकिन को यहां पर निकाला है और उसके अलावा भी यहां पर एक दो प्लेयर को अपने स्क्वाड से मुंबई इंडियंस की टीम ने बाहर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी बड़े बड़े डिसीजन लिए, जहां पर उन्होंने देवदत्त पड्डीकल को अपनी टीम से रिलीज कर दिया। उसके अलावा भाई आपके यहां पर रसी वेंडरडसन को उन्होंने छोड़ दिया। उसके अलावा भाई एक और खिलाड़ी से जिमी निशम का नाम निकल कर आ रहा है, उनको भी आपने इस टीम में छोड़ने का ऐलान कर दिया। आरसीबी की तरफ से बड़े अपडेट है, जहां पर भाई आरसीबी टीम ने यहां पर सिद्धार्थ कोल और उसके अलावा एक और खिलाड़ी आकाशदीप को यहां पर अपने स्क्वाड से छोड़ने का ऐलान कर दिया। वैसे भाई कहीं ना कहीं आने वाले एक दो दिनों के अंदर आपको पूरी की पूरी रिलीज प्लेलिस्ट अपने YouTube चैनल क्रिकेट इंडिया पर सबसे पहले देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड 2022 को लेकर, जहां वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया के सफर की समाप्ति के बाद सभी क्रिकेट फैंस की निगाहें भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली सीरीज पर रहने वाली है, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड आपस में 6 मैचों की सीरीज खेलेंगे, जिस दौरान 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रोमांचक और शानदार ये पूरी की पूरी सीरीज होने वाली है। पूरी सीरीज का पूरा कार्यक्रम यहां पर ऑलरेडी जारी हो चुका है, जहां पर T20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बनाया गया, वहीं वनडे फॉर्मेट में शिखर धवन को कप्तानी मिली है। सभी सीनियर खिलाड़ी हमें इस सीरीज में रेस्ट करते हुए नजर आने वाले, आपके रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं, आपके उसके अलावा विराट कोहली नहीं खेलेंगे, KL राहुल नहीं खेलेंगे, मोहम्मद शमी नहीं खेलेंगे, रविंद्र जडेजा नहीं खेलेंगे, जस
प्रेस बुमराह नहीं खेलेंगे, केवल यंगस्टर्स के साथ यहाँ पर इस सीरीज में टीम इंडिया धमाल करती हुई नजर आने वाली है। और आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर इस टीम का मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे वो यहाँ पर डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से ही न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। बाकी जो खिलाड़ी स्क्वाड्स में नहीं थे उनको भाई अपने घर की मतलब भारत की टिकट मिल चुकी है। और भाई कुछ खिलाड़ी फिलहाल अभी भी ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर भाई आपको पता है कि विराट कोहली अभी भी थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में अपना टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों खैर यहाँ पर जैसे किसी भी टाइम का कोई भी फर्दर अपडेट हमें देखने को मिलता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है वर्ल्ड कप 2023 को लेकर, जहां भारत में यह शानदार टूर्नामेंट हमें अगले साल देखने को मिलने वाले। लेकिन दोस्तों तारीखों को लेकर यहाँ पर बड़ा सस्पेंस जा रही है, कोई बोल रहा है फरवरी में होगा, कोई बोल रहा है मार्च में होगा। लेकिन दोस्तों बड़ा अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल गया, जहां पर खुद आईसीसी ने कंफर्म कर दिया कि अक्टूबर नवंबर में यह शानदार टूर्नामेंट हमें भारत के 7 अलग अलग स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। और भाई मतलब यह कंफर्म हो चुका है, हालांकि कुछ इश्यूज यहाँ पर फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच जरूर चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल जिस तरह का सीनियर उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई अगले साल यहाँ पर पाकिस्तान की टीम डेफिनेटली ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत के दौरे पर आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर, जहां पर भाई होस्टिंग को लेकर बड़ा सस्पेंस फिलहाल जा रही है, क्योंकि हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो आपके आपके तो मतलब जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंसमेंट किए थे कि भाई हमें पाकिस्तान में एशिया कप 2023 देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद भाई यहां पर काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों अभी तक यहां पर एसीसी ने ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की कि भाई पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा, जिसके चलते कुछ चांसेस यहां पर अभी भी है कि पाकिस्तान में हमें एशिया कप देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर पाकिस्तान में एशिया कप होता तो डेफिनेटली भारत की टीम पाकिस्तान के दौरे पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है साउथ अफ्रीकन टी20 लीग यानी मिनी आईपीएल 2023 को लेकर। जी हां बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, खबर निकल कर आ रही है लाइव टेलीकास्टिंग को लेकर। हालांकि आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 10 जनवरी 2023 से इस शानदार टूर्नामेंट का आयोजन हमें साउथ अफ्रीका के 6 अलग अलग स्टेडियम्स में देखने को मिलेगा। 6 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करने वाली आईपीएल की फ्रेंचाइजियों ने अफ्रीकन टी20 लीग में इन्वेस्ट किया, सभी टीमों को आईपीएल की फ्रेंचाइजियों ने खरीदा, जिसके चलते इस टूर्नामेंट को मिनी आईपीएल का नाम दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों लाइव टेलीकास्टिंग के रिगार्डिंग बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला, जहां पर भारत की वाइपो मेटिंग कंपनी अपने मोबाइल पर इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को लाइव करने वाले, क्या वो वूट ऐप पर करेंगे या फिर किसी नदर ऐप पर करेंगे, कोई नई ऐप बनाई जाएगी, इसके ऊपर अभी तक हमें वाइपो मेटिंग कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों ये आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।